हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आज आप लोगों के साथ वेस्ट बंगाल में जो कांड हुआ है एक लड़की के शरीर को, जो उसके पैर ऐसे पैर को ना ऐसे कर दिया गया है गाइस, उसके क्या बोलूँ आपको। और मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ, मैंने हर एक चीज़ को, अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ गाइस। और जो औरतें डेली घर से बाहर रहती हैं ना, जो घर से बाहर निकलती हैं, जिनके बाहर के बिना कोई काम नहीं है, तो मतलब एक ऐसा मन के अंदर ना डर आ गया। ऐसे हमारे, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ बंगाल सरकार में, ऐसा कभी भी न्यूज़ में जो भी हो, जो दिखाया जाए, लेकिन लड़कियाँ अपने आप को ना बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं खुद 10 बजे 11 बजे रात तक घर से बाहर रहती हूँ, घर से रास्ता में अकेले आना जाना सब कुछ किया है, लेकिन कभी ऐसा माहौल ऐसा डर कभी नहीं आता था। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियो क्लिप भी ऐड कर दूँगी, जो हम लोग रात को जा रहे हैं, 2 रात से, मैं 3 रात हो गई गाइस, मुझे सो ही नहीं है ठीक से। यहाँ पे सब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, औरतें घर से बाहर निकल रही हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे। ये जो हुआ है, कल को मेरी बेटी के संग हो सकता है, कल को आपके संग हो सकता है, किसी के भी संग हो सकता है। और ये ना बहुत बहुत इस मैटर पे ना आपसे क्या बात किया जाए, मतलब पूरा रात नींद नहीं आएगा इस। ऐसे तो हमारे घर के सामने सारे लोग कैंडल लेके, ऐसे तो गाइस कैंडल लेकर निकलना बहुत बड़ी बात। द्रौपदी का जब चिरहनन हुआ था तो उसके लिए सर काट दिया गया था, लेकिन ये जो कांड हुआ है इसके लिए कैंडल, कैंडल बस जस्ट इसलिए है कि उजाला रहे अंधेरा में। और बात तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये जो दृश्य हुआ है किसी लड़की। और आपको पता है गाइस, वो लड़की ना अपने माँ बाप की एक लड़की थी, सोचो 30 और 31 साल तक माँ बाप ने उसको खाना खिलाया, उसको पाला पोसा। लोग बोलते हैं ना, हम अपने बच्चों को गाइस इतना पैसा खर्चा करते हैं, एजुकेशन के पीछे इतना पैसा खर्चा करते कि डॉक्टर बनाएंगे, नहीं नहीं हम बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। अब मुझे तो आज ये लग रहा है गाइस कि वो डॉक्टर नहीं होती तो शायद बच गई होती, या क्या पता क्या बोले, किस जगह पे लड़कियां सुरक्षित हैं समझ में नहीं आ रहा है। हम तो एक तरफ ये आज़ादी दिवस कल मनाए, हम लोग सेलिब्रेट किए, पर मन के अंदर ना इतना, मैं कभी नहीं डरती हूँ गाइस, मुझे कभी कुछ लेकर डर ही नहीं लगता है। मैं बहुत, मतलब मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बहुत संस्कार दिए और मैं बहुत हिम्मत के साथ रहने वाली लड़की हूँ। लेकिन ये केस देख के ना, पता नहीं इसके पहले भी बहुत सारा केस हुआ है, पर एक केस देख कर ना मेरा दिल ना मतलब दहल गया है। मुझे मन कर रहा है ना कि मतलब मैं खूब रोऊं, खूब रोऊं। रोने से भी तो कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसा होता है कि हम रोते और उस एक माँ, मुझे तो सिर्फ एक लड़की होने के नाते तो जो होगा होगा, एक माँ की जगह पे आप रख के देखो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब एक माँ। और सबसे बुरा चीज़ तो ये लगा गाइस कि वहाँ पर उसकी मम्मी आके लाश, उनको बताया गया कि उनकी बच्ची का ना सुसाइड हो गया। हम लोगों ने अपनी आंखों से ना ये जो क्या बोलते हैं, जो दिमाग भी काम नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन के लिए जो जा रहे हैं, इंसाफ चाहिए, उसमें हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें जैसे आप मीडिया के थ्रू देख रहे हैं वैसे हम भी मीडिया से देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि लड़की के पूरे बॉडी पर दांत से काट, किसी को किसी से इतनी दुश्मनी, रेप किया गया इस, उसका पूरा पैर ना, एक लड़की का पैर ऐसे होता है, उसको पूरा ऐसे दो तरफ कर दिया गया, उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म पाया गया है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट उसके बॉडी पे ना आँख से खून निकल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे ना बिहार के सुशांत सिंह का केस आया था, उसका भी मतलब खबर तो इंसान सुन के दिल दहल गया था। कितने दिन तक इंसान अभी भी उस चीज़ को नहीं भूल पाता है, इंसान को अपने माँ पापा का एक लड़का था, माँ पापा कितने केस, बिहार का एक लड़का बॉलीवुड में गया था लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आप लोगों को याद है कि नहीं, एक और केस आया था आरुषि का, उसका भी कुछ भी पता नहीं चला कि उसके घर के नौकर ने किया है कि उसके किसने किया है, क्या लड़की आखिर सेफ कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यूट्यूब पे भी ऐसा माहौल हो गया ना, आप यूट्यूब पे आओ, सोचो कि चलो थोड़ा सा टेंशन तो दे, देवरानी तो ये जेठानी तो इसके घर में ऐसा तो उसके घर में ऐसा। और एक यूट्यूब पे ना शिवानी कुमारी है, आप देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे, उनके गांव की एक कोई है राधा बोल के, मैं नहीं देखती हूँ गाइस उनका ब्लॉग। उनकी लड़की के संग भी मैंने सुना है कि उनके ससुराल वालों ने उसको मार पीट के जख्मी कर दिया और उसके बाद वो लड़की भी चली गई। तो ये सब क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है इंडिया में, हमारे देश में, बंगाल ही नहीं, यहाँ पर तो मतलब बंगाल का ही मैं नहीं बोल रही हूँ,
हर एक क्षेत्र में आखिर लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं? कैसे? कहीं कहीं सब बोलते हैं ना कि लड़कियों की गलती होती है, कपड़े गलत पहनती हैं तो हुक्का मारती हैं तो सुट्टा मारती हैं, यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं, इसलिए ऐसा हो गया। ये तो एक डॉक्टर थी गाइस, और आपको बता दें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आरजीकर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं उस हॉस्पिटल की गई हूँ। यहाँ का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत लंबे समय में दूरी में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। अगर एक डॉक्टर एक लड़की यहाँ सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कहाँ? तो आप लोग बस क्या क्या आपसे बोला जाए, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है। वीडियो बना के हम लोग डाल रहे हैं जस्ट फॉर शांति के लिए डाल रहे हैं कि आप लोग को अपडेट देने सके कि मैं 2 दिन कहाँ व्यस्त थी, क्यों नहीं मेरा वीडियो आया। पर मुझे नहीं लगता गाइस कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हो इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी को, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है गाइस। मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा है, पर्सनली इस चीज़ को भोगा है, इस चीज़ को नहीं मतलब कुछ कोई और चीज़। इंडिया में ना कानून इंसाफ कुछ जल्दी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है जल्दी किसी का सुनता ही नहीं है, और कहाँ से कहाँ किधर का कांड किधर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पर्सनली इस चीज़ को ना ये चीज़ फेस किया है कि कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता है, कानून का फैसला जल्दी नहीं आता है। तो अगर आप लोगों ने इस मैटर में आप लोग की थिंकिंग क्या है, आप लोग हर एक यूट्यूबर हर एक लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं, और हम तो यहाँ से हैं क्या, इससे हमारे घर के पास ही है। तो आप सोचिए कि हमारा अभी मेंटल हालत क्या होगा, घर से बाहर निकलो तो हाय हाय, घर से अंदर ढुको तो हाय हाय, ये सब चल रहा है अभी बंगाल में। तो कोशिश करते हैं, हमारी यहाँ की CM भी उतरी थी रास्ते पे कर प्रोटेक्शन के लिए, देखते हैं क्या होता है, अपडेट ज़रूर देंगे आप लोगों से। और ये वीडियो मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने बनाया है। लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, जस्टिस बस एक बार लिख दीजिए, जस्टिस फॉर डॉक्टर गर्ल्स, उस लड़की के लिए जस्टिस होना चाहिए। बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट है और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, एक बार लाइक कीजिए, मत कीजिए, बस एक बार जस्टिस लिख के जाइएगा कि जस्टिस मिलना चाहिए उस लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर ना बहुत बड़ा पावर है, कोई नहीं जानता शायद इससे इंसाफ मिल जाए उस लड़की को, और हम लोग भी एक पुण्य की तरफ ना एक कदम बढ़ा दें। हम मेरे मुँह से बोल ही नहीं निकल रहेगा, इसमें क्या बोलूँ आप लोगों से। आप लोग देखें मुझे वीडियो में मैं कितना एक्टिव रहती हूँ, पर 2-3 दिन से ना मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई हूँ गाइस, बहुत डीमोटिवेट हो गई है सब देख के। राखी का शॉपिंग करना है, डर के मारे लग रहा है घर से बाहर ही ना जाए, कुछ इस तरह से दिमाग में ना वो लड़की का कुछ इस तरह से चल रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ गाइस आपसे, चलो बाय।